मेरा डिवोर्स वाला फैसला था, उनको अभी वहाँ नहीं बोलना चाहिए था। गोलू भी रो रही थी, अरमान जी भी रो रहे थे, क्यों किया मैंने ऐसा? गैन की माँ, इसको सलूट मारो कि इसने गोलू जैसी को पैदा किया। उन लोगों को ना मेरे पर अंधा ट्रस्ट, और मैं भी उनके अंधा ट्रस्ट करती हूँ। मैं लोगों के कमेंट्स पे जाके मैंने जो सोचा था मैं वो नहीं करूँगी। नहीं करना ही नहीं है। जिन्होंने सिर्फ हमारे को इतना टारगेट कर दिया है कि एक इंसान मरने में मजबूर हो रहा है। मरना क्यों है और किसके लिए मरना है? दोनों भाई मिले मिले के रो रहे थे। मैंने बहुत सोचा कि अगर मैं कुछ कर, अभी छोटे बच्चे हैं, बच्चों का क्या होगा? गलती ये होगी, हम बिग बॉस से नहीं, हमें नहीं जाना। हाँ नहीं जाना चाहिए था। मौत अभी तो नहीं आ रही। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। मोए 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 डांस करती है पूरा। तो होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो अभी जो है बच्चे दोनों मेरी लस्सी में अटैक कर रहे हैं और लस्सी पी रहे हैं। वैसे पीते नहीं है बच्चे। मुंह तो ऊपर कर, मुंह पर करो। ये पूरा चीकू है पता है आपको? चीकू भी नीचे मुंडी करके क्या ऐसे करो। देख तू बाको, देख देखा तू बाको ऐसे करना। मोए 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 देख 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 मोए 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 खत्म हो जाएगी। अगर बच्चे नहीं पी पा रहे ना मेरे को पिला के दे। तू तो रहन दे, देख पी के। मोए 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 ज्यादा होगी। कपड़े चेंज मोए मोए नहीं बन मोए मोए इतना मोए मोए डांस कर रही है। मोए 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 तो अभी क्या करेगा जैद गाइस मैं बताती हूँ। इसके हाथ में फुटबॉल है। फुटबॉल को ना पहले ऊपर रखता है स्टैंड पे और उसको ना नीचे गिराता है, ऐसे खींचता है और ना इसके सर पे गिरती है, फिर हमें देखता है, ऐसे हंसता है, फिर जाता है। तुम आप क्या खा रही हो? सोयाबीन की बड़ी खाती हो आप? खाती हो आप सोयाबीन की बड़ी? मामा को खिलाओ। टेस्टी है टेस्टी है, जाओ दूसरी मांग लो। ये देखो कैपिंग करो सारे, कैपिंग करो। वाओ वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश मेरा बच्चा। फिर से आई चलाते हैं, मैच लेती है, मुंह में डालती है, मुंह में निकाल के फिर आपको निकालो। एक चिड़िया अपनी बच्चों को खाना देती है ना चोंच में से डाल के, ये मेरी चिड़िया अपने चोंच में लेके आती है दाना और अपनी माँ को खिलाती है। इतना सुंदर सूट आया था, माँ लक्ष्मी ने भेजा था और मैं कैंची से नहीं बीते मारते नहीं कैंची से काट रही थी, सूट ही कट गया। अब इसका नहीं बच्चे नहीं मारते नहीं जैतून, नो बाबू इधर आ जाते दबा दिया उसको भाई बहुत ज्यादा मटल्ले। सूट तो बहुत सुंदर था गाइस, खानी है सुंदर है पर सूट का स्टैंड हो गया ना। ले भाई तू ले ले, रफू हो जाएगा। हाँ, अच्छा है ना, पर चुन्नी नहीं है ऐसे चलेगा। बीच होती चुन्नी कहाँ कर दिया चुन्नी? ओए ओए छप छप माली पानी में मछली बढ़ रही छप छप दे देख देख नहीं मेरे मुंह पे छप छप कर दिया। नहीं 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 ये लड़का ना अब तो सोएगा तो नहीं, दोनों को तो मैंने भेज दिया सोने के लिए। कहाँ जाना है बाबू? पोछा लाइए पर नहीं तो हाथ धोते कर ले। तो गाइस अभी ना सो गई थी मैं थोड़ी देर, क्योंकि सुबह से बॉडी ना ऐसी हो रही थी लेजी लेजी और थकान, बीपी लो जैसा हो रहा था, तो ना कुछ काम ही नहीं हो पा रहा था, ना व्लॉग बना पा रही थी ना कुछ। तो मैंने सोचा थोड़ी देर ना रेस्ट करती हूँ, रेस्ट किया तो अब थोड़ा बेटर फील कर रहा है। अब मैं उठी हूँ, अब बच्चे जो है सो रहे थे जिस टाइम मैं सोई ना उस टाइम बच्चे भी सो रहे थे, तो अभी थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ। तू बात यही सो रही थी, खाती हूँ इतनी देर से उठा रही हूँ, इतनी देर से सोई रही है ये मेरे से। सोई नहीं रहा दोपहर में, हाँ इसलिए इतनी देर से सो रही है ये। ये क्या हुआ आज ना छुट्टी की थी आंटी ने, दूसरी वाली आंटी ने जो बच्चों वाली आंटी है, तो ये ना सोए नहीं थे आज, तो इसलिए ये शाम के टाइम सोए। और वो दोनों जो है वो जगे हुए हैं, तो चलती वहाँ पे देखती हूँ। कंगी कर रहे कंगी? नहीं। तू क्या कर रहे? इसके भी देख लंबा बाल आ गए, इतना लंबा बाल उग गया। आदिवासी हेयर ऑयल लगा रहे हो क्या हमारा घर का? बस नहीं और करो अच्छे से, बैठ चल कंगी कर काम पे लग, बच्चों को काम पे लगवाऊंगी अब, अभी बच्चे भी काम करने जाएंगे। कंगी कर अच्छे से कर, है कर रहे कि नहीं कर रहे? दीदी से कंगी चलाने तो आएगी, काम क्या कराओगे? रुक जा ऐसे कर, ले पकड़ हाँ ऐसे कर, हाँ कर सिखाऊंगी तभी तो आएगा काम। आप सही कर रहे हैं, अभी से सिखाऊंगी तभी तो काम करेगा। पड़े हो गए क्या है कहा भाई? कंगी वाले को साथ कर दे कंगी। तू क्या कर रहा है मेरे बोंदे? बोंदा तो पूरा दिन टीवी देख सकता है इसको, ये बंदर ये खरगोश ये बंदर, हाँ ये देख रहा है, देख तो लेके देख रहा है, हाथी देख रहा है, हाथी भालू
गेंडा स्वामी गेंडा स्वामी है, वो पॉइंट से तो हटे है, पॉइंट देखते थे पहले हां उनसे हट गए। भोपो थोड़ी है, आती 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 एलिफेंट 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 हाथी टाइगर 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 डक काका 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 नहीं करे काका क्वैक 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 बहुत जल्दी करता है, सबसे ज्यादा जल्दी बोलेगी तूबा। तूबा नानी कितना सॉफ्ट बोलती है, नानी और बोलती कितना प्यार से। सुन चाची, चाची को थोड़ी देर तो चाची बोलती है, चाची चाची तो फिर थोड़ी देर बाद टाटी हो जाता है। आपने माती बोल दी, माती माती इसके गाल पे नील जैसा पड़ा हुआ, पता नहीं कैसे। अभी पूछती हूँ कैसे लगा इस लड़की, पूरा गाल ऐसे गुलट्टा सा नील हो रहा है। तो जो चीज आप देख रहे हो मैं भी अपने घर में देख रही हूँ, चाहे कुछ भी है। देखो घर के दो लोग वहाँ पे हैं और बाहर इतना सब कुछ चल रहा है, तो मैं एक एक एपिसोड देखती हूँ, आराम से देखती हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो अभी क्वेश्चन हुआ था लव केस से, ठीक है, और सना ने जैसे तालियां बजाई मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। तो गाइस मैं ना मीडिया की बहुत इज्जत करती हूँ, मीडिया जो होती है वो हमेशा सच छापती है, पर ना वो कुछ चीजों को इतना बड़ा चढ़ा के दिखा देती है ना कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। अब जो मेरा डिवोर्स वाला फैसला था उनको अभी वहां नहीं बोलना चाहिए था, मेरे हिसाब से उनको वहां पे अभी नहीं बोलना था। अगर मैं अपने मुंह से बात उनके सामने रखती, अब वो पूरा टाइम जितना भी टाइम वो एक हफ्ता रहेंगे अंदर दोनों टेंशन में रहेंगे। और कल की कुछ वीडियो भी आ रही थी जिसमें गोलू भी रो रही थी, अरमान जी भी रो रहे थे, ये क्वेश्चन पुट नहीं करना चाहिए था आपको, बिग बॉस से रिलेटेड वहां पे बात करनी चाहिए थी, आप मुझसे सवाल जवाब करो क्योंकि अरमान और कृतिका ने नहीं बोली, तो आप लोगों को मुझसे जवाब लेना चाहिए। और हाँ अगर मैं वहां गई मुंबई तो मैं मीडिया से जरूर बात करूंगी, क्यों किया मैंने ऐसा। निक्की जब भी कुछ करवाती ना उल्टा ही काम करवाती है, निक्की दीदी से ज्यादा मतलब बच्चे इतनी शतारी नहीं करते जितनी निक्की दीदी करती है, जानबूझ के करती है। मैंने कुत्ते का मॉल पता क्या कराई हूँ, दे दिया हाथ में और पलटा दे दी, जानबूझ के करती है दीदी। मैं सुबह को दे मॉल में गए थे, इतना बच्चे को लेके नहीं गए, बच्चे परेशान कर देंगे, मॉल में भीड़ थी पूरे मॉल में, समझे पकड़ पकड़ के ला रहे थे। मैं पूरे मॉल में इसको ढूंढता फिरता था, कभी ये गायब हो रही है कभी कहाँ जा रही है कभी कहाँ, मैं इसको ढूंढता हूँ। और भाभी वहाँ पे ना वो थे डायनासोर, कह रही है मैं उसकी सवारी करूंगी। जो लोग बॉडी शेमिंग की बात कर रहे हैं वहाँ जाके, लोग मुझे बुढ़ी बोल रहे हैं, लोग मुझे क्या क्या बोल रहे हैं, उस पे कोई नहीं बोलेगा। थुलथुला बोला तब तो किसी ने बोला नहीं, थुलथुला बोला तो वो बॉडी शेमिंग नहीं है, थुलथुला बोल रहे हो। हम लड़के हैं जनाब, हमें सब कुछ सुनना पड़ता है, हम भी लड़के हैं हमें भी सब कुछ सुनना पड़ता है। निक्की तेरे सोरे कम उल्टे है, देखिए देख अगर इसके अंदर चला गया नहीं कि फंस गया तो, तू ऐसी चीजें क्यों देती है। तो मैं तो गल नहीं देती, पूरा ढक्कन खा। और कहाँ ये ढक्कन खाया जो इसमें मेरा, अरे ये ऊपर का खाया जो, तो नीचे की रोक देती थी। भाभी ये सच्ची अनगेली करती है। क्या करती है? अनगेली यानी कि ध्यान नहीं देती बच्चा से। तू समझ गई ना? देख और देख, तू पंजाबी आंदी है तो देखे वैसे तेरे वर्ड में टेढ़े मेढ़े होते हैं। दीदी नहीं है, दीदी नहीं है, कुछ और दे दे यार। ले बेटा ले, ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी। अब ये खोल रखा है, इतने मच्छर मक्खी आ जाएंगे ना घर में, ऐसा लगेगा घर में सफाई दूर हो गया है, तभी ऐसे घर इसको ठीक कराऊंगी। और मैंने एक चीज सोची है, फ्रिज ना बच्चे बार बार फ्रिज को ना हाथ लगाते हैं, रख दू कैसे। गर्मी होती है ना, थोड़ा सा उसको स्पेस चाहिए, हल्का सा आगे रख देंगे, आगे करके रख दूंगा, यही रख दूंगा या यहाँ पे लगा देना दीवार के साथ ही। यहाँ से बारिश आएगी, बारिश आएगी तो फिर गीला हो जाएगा। अंदर आती है कभी कभी? शांति अंदर बारिश आती है क्या? इधर मैं फ्रिज को यहाँ लगाने की सोच रही हूँ, यहाँ यहाँ ठीक है ना। अरे भाई वो ऐसे नहीं खेलते, वो बहुत से ढक्कन से खेलते हैं। खोल ले इसको ना, मैं खोल दूँ ये ले, मैं खोल देती हूँ ये ले। लड़ते हैं आपस में बहुत। निक्की देख यहाँ पे कहीं पे भी पत्थर लिख रहा होना चाहिए, ये पता है लोग घुस घुस के चीजें निकाल के खा जाते हैं मुंह में, गेट बाहर होगा। अगर वो पत्थर पेट के अंदर चला गया बहुत दिक्कत हो जाएगी, बाहर होगा भाभी। अच्छा ये अपनी नानी के बदल लेके घूम रहा है यार, इसका मुंह जो है इतना ही छोटा रहेगा। आपका मुंह छोटा है, मेरा तो पहले बड़ा था, इसका ही बड़ा था। और इसका मुंह, इसका तो सही है, ये मेरे पे इसकी देखो, इस पापा के भी ये चीज भारी है, इसकी भी बचपन में कैसी थी ऐसे हमें तो गिलारी कहते थे, गिलारी कहते तो कहते थे मुंह लिखा रही है यहाँ पे गिलारी। दांत तो इसकी गिलारी जैसी है ना। हाँ दांत रणवीर भैया के और इसके सेम है, दांत को झाड़ू नहीं लगाते। हट जा ऐसे।
बेटी तू भी ढूंढ बहन, क्यों ढूंढ बहन ढूंढ, तभी तो झाड़ू लेके आई नानी आई इसलिए बजा रही है। बस अभी अभी मैं पायल के पास आई हूँ, आते पहले बिग बॉस देखा है, बिग बॉस देख के इसके पास इसका मूड बिल्कुल ठीक नहीं है और सुबह से मेरा मूड भी ठीक नहीं है। बिग बॉस की हमने इसलिए देखा है कि कल टीम पारी थी बहुत गंदी गंदी, ये वो फलाना निकाला, इसलिए मैंने कहा कि हुआ क्या है, क्योंकि पूरी चीज तो जब एपिसोड आएगा तभी तभी पता चलेगी। ठीक है, लाइव मैंने सुबह से देखी है क्योंकि कल रात से बहुत ज्यादा दिमाग खराब। मेरी सिर्फ यही है कि जो चीज मेरे मुँह से सुन सुनते ना वो लोग मेरे मुंह से नहीं सुने, कहीं और से उनको पता लगती है। अब वहाँ अंदर उनका हो रहा बहुत बुरा हाल, ये गोलू डायन बोला है जिसने भी बोला है सात घर छोड़ के किए हो, मुझे सिर्फ इतना बता दो क्या ये बात सिर्फ अब पता लगी आपको बिग बॉस में जाने के लिए? नहीं, आपको 7 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए इस बात को इकट्ठे रहते हुए, तो तब भी तो लोगों को पता था आप इकट्ठे रहते हो, इकट्ठे खाते हो, इकट्ठे पीते हो, इकट्ठे घूमने जाते हो, तब तो आप लोगों को बहुत पसंद करते थे, ये दोनों बहने बहने हैं। अब पायल को देखो, गोलू को देखो, दोनों कितना प्यार रखते, मुझे भी कमेंट्स आते थे, और अब इतने गंदे इतने गंदे कमेंट्स आ रहे आपको बता नहीं सकते। डैन की माँ बताओ, ये बोलने का ऐसे वर्ड बोले जाते हैं किसी माँ को डैन कैसे बोलता है? और वो गोलू भी खुद भी माँ है, वो 4 बच्चों की माँ है, उसको आप डैन, मेरे को तो ये भी आया 36 तोपों की इसको सलामी दो, इसको सलूट मारो कि इसने गोलू जैसी को पैदा किया, इसे सलूट मारने वाली क्या बात है? इसमें मम्मी की गलती कहाँ से है ये बताओ, औलाद पैदा करी, उसको इतना बड़ा किया, उसको खिलाया पिलाया पढ़ाया, ठीक है, क्या गलती है? हर एक माँ अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचती है, कौन गंदे संस्कार माँ देती है कभी? इनको समझ ही नहीं आ रही है किसी को, कई तो बहुत अच्छे हैं जो मुझे कहते हैं आंटी आप मतलब परवाह मत करो, पर परवाह कैसे ना करे, सारे के सारे गंदे कमेंट, आपको इतने गंदे, अब इतना हेट करने लग पड़े, इतना हेट कर रहे हैं आपको, मुझे पूछो मत। मेरा तो सुबह से इतना खराब था, मैंने सुबह से ब्लॉग नहीं बनाया, मैंने सोचा था मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, छोड़ दूंगी जब वो आएंगे तब अपने आप सुना, पर मुझे ना एक चीज अरमान की बहुत अच्छी लगी, गोलू की बहुत अच्छी लगी, उन लोगों को ना मेरे पर अंधा ट्रस्ट, और मैं भी उनके अंधा ट्रस्ट करती हूँ, मैं लोगों के कमेंट्स पे जाके मैंने जो सोचा था मैं वो नहीं करूँ, नहीं करना ही नहीं है, मैं अब नहीं करूँ, मैं क्यों करूँ, मैं करूंगी तब भी गालियां दोगे, नहीं करूंगी तब भी गालियां दोगे, बिकॉज का मैंने ये सोच के किया था कि चलो लोगों का हमारा रिश्ता समझ में नहीं आ रहा है, लोग हमें ट्रॉल कर रहे हैं, हमारे बच्चों को बद्दुआएं दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, हमारे परिवार को उन्होंने इतना गंदा बना दिया, इतना गंदा बना दिया, अगर ये परिवार इतना ही गंदा होता तो यहाँ पे 40 लोग जो काम कर रहे हैं कैसे रहते वो काम करते, लोग जाते हैं आते हैं। दीपक है, दीपक हमें गोलू भी नहीं थी तब से जानते, हाँ गोलू भी नहीं थी तब से जानते, क्योंकि शादी पे मैंने दीपक को देखा था, क्या दीपक आता है? दीपक आता, उसका भी भरा पड़ा परिवार है, उसकी इतनी 3 या 4 बहनें हैं, उसके जीज हैं, उसके भाई हैं, क्या वो लोग मना नहीं करते कि तुम कहाँ बच्चे उनके घर मत जाओ, अच्छे लोग नहीं, अच्छे लोग नहीं हमारे यहाँ पे, इतने लोग हैं। अब ये निक्की है, ये निक्की चली गई थी उनके घर चली गई, निक्की को लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया, निक्की कहाँ चली, अच्छा लोगों के अब वो यही बैठी है, और मेरा साथ यही दिल्ली, मैं दिल्ली गई थी, मैंने कहा चल यहाँ का बर्थडे था और मैंने मीटअप रखा था, लोगों को जाके मिलती हूँ, उससे लोग मिलना चाहते हैं, ढाका भी रखा, अब वो मीटअप रखा उन्होंने अपने अकॉर्डिंग कि भाई अभी मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा पति भी नहीं है, और कोई नहीं है, तो ऐसे चलो जितनी भाभी की हेल्प हो सके, जितनी हेल्प हो सकते करते, उसने अच्छी जगह पे मीटअप रखा, लोग आए, लोगों को खाना पीना सब मिला, जितने भी लोग कुछ हमारे यूट्यूबर्स भाई बहन भी आए थे वहाँ पे, बहुत सारे इंस्टाग्राम से भी बहुत सारे लोग आए थे, सब हमें मिल गए थे, मैंने सबका ओपिनियन दिया कि आप लोग क्या समझते हो अरमान के लिए, लोगों ने ये बोल दिया कि मैंने पैसे दे के बुलाया, और इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी भाई कि मैं लोगों को बुलाऊंगी वहाँ, तो पैसे दे के आता कौन है, अगर मुझे कोई पैसे देना तो ना जाऊँ, क्यों जाऊँ, जिसको जाना है तो अपने आप आएगा, वो प्यार के लिए आता है, ये नहीं है कि कई लोग हेट करते हैं, पर कई लोग बहुत प्यार भी करते हैं, और मेरे को कमेंट्स आते हैं कई, अगर 10 गंदे आ रहे हैं तो 2 अच्छे भी आ रहे हैं, सिर्फ 2, पहले क्या आता था 2 बुरे आते थे 10 अच्छे आते थे, अब ये हो गया, डैन की माँ है, गोलू के बारे में बुरा बोलते हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा, अभी मैं तो घर में रो रही थी, जब मैंने आप मेरे लक्ष्य को फोन किया तो लक्ष्य ने मुझे बोला आपकी तबीयत ठीक नहीं है, भाई आप भी बीमार हो, तो मैंने तो अपना बैग उठाया मैं तो आ गई, मैंने कहा भाई माँ बेटी दोनों बैठते हैं सोचते हैं इनके बारे में कि इनका करना क्या है, बहुत बुरा कर लिया अभी इन्होंने हमारे साथ, अब आप छोड़ दो, इनकी परवाह मत करो, कमेंट्स बिल्कुल मत देखो, और उसको आने दो दोनों को, फिर दोबारा वैसे जैसे है वैसे रूटीन सही हो जाएगा, आप देख लेना ये 15 दिन के अंदर अंदर सब सही हो जाएगा। मैं भी मानती हूँ ये बात, जब वो लोग आ जाएंगे ना वो दोबारा हमें सबको साथ देखेंगे और हमारे बच्चों का प्यार देखेंगे, परिवार का प्यार देखेंगे, कितने लोग हमारे यहाँ रहते हैं उनका प्यार देखेंगे, वापस पॉजिटिव हो जाएंगे, पता है वापस पॉजिटिव हो जाएंगे। आज रणवीर भैया ने लाइफ पे एक बात बोली कि दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी 2 शादी हो रखी, उन लोगों से क्वेश्चन क्यों नहीं करते, हाई सोसाइटी वाले लोगों से क्यों नहीं कमेंट करते आप लोग मीडिया वाले जाके, जिन्होंने सिर्फ हमारे को इतना टारगेट कर दिया कि एक इंसान मरने में मजबूर हो रहा है, मरना क्यों है और किसके लिए मरना है, अपने बच्चे छोड़ जाओगे पीछे से, सबको रोता छोड़ जाओगे, कोई ये बात नहीं, मैंने पता गांव फील करी एफएम वाले भैया की
मम्मी की डेथ हुई तो वो बिलक बिलक के रो रहा था। दोनों भाई बिलक बिलक के रो रहे थे। मैंने बहुत सोचा कि अगर मैं कुछ कर अभी छोटे बच्चे हैं बच्चों का क्या होगा। रोना कुछ नहीं है, कोई रोना नहीं है आपको। अपने दिल को मत लगाओ और जैसे ब्लॉगिंग कर रहे हो वैसे करते। कोई हमारे साथ अच्छा करे हमारे साथ बुरा करे, आप अपने कर्म किए जाओ। छोड़ो इनकी बातों को, छोड़ दो। मैं भी रो रो के आ गई। ये मुझे कह रहे हैं तो क्यों रो रही है, मैंने किस्मत में ही लिखा है रोना। डैन की माँ आ गई, डैन की माँ आ गई। अरे किसी ने बोल भी दिया डैन तो डैन की माँ बन गई क्या? माँ बनना इतना बड़ा क्या जुर्म हो गया मेरे लिए? कोई कसूर नहीं, कोई गलती नहीं, बस गलती ये हो गई। अब बिग बॉस से नहीं, अभी नहीं जाना। हाँ नहीं जाना चाहिए था, नहीं जाना। अब लगा लोगों में प्यार करते में देखना पसंद करेंगे, पर लोगों ने उल्टा हेट ही दिया। कोई बात नहीं, आज के बाद अपने घर में रहो। कोई प्रोग्राम में आपको कोई बुलाए, कोई कुछ करे, अब आपको बहुत ज्यादा लोग बुलाएंगे करेंगे, मगर नहीं जाना। फिनाले पे तो मुझे जाना पड़ेगा। हाँ वो तो जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो जो बाहर आएंगे ना उनको सबसे पहले मैं चाहूंगी पायल से, पायल से बात करें। हाँ की जब तक पायल के मुझसे मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो है वो विश्वास टूटेगा भी नहीं, चाहे कोई कुछ बोले, चाहे लोग मेरे को और 10 गाली देने और 1000 गाली दे। अरे 2000 दे दो, 5000 दे दो, परवाह मत करो। कमेंट्स मत दे, अब अपने दिल को लगा के अगर कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवार है बताओ? लोग तो क्या है, लोग फिर आपके साइड होंगे, हाय बड़ी अच्छी थी चली गई, बस यही कहेंगे। हमने किसी के पीछे नहीं मरना, मौत आएगी तो अपनी आएगी, लोगों की वजह से नहीं मरेंगे। मौत अभी तो नहीं आ रही, क्यों आए अपने आप? क्यों आए मौत, क्यों आए? हमने क्या बुरा किया? भगवान को जिसकी जरूरत होती है उसको ही लेता है। आपको नीचे अभी रहना है अपने बच्चों के साथ, उनको पालना है, गोलू को, अरमान को, अपने चार बच्चे उनको दे, आपको पूरा घर देखना है, पता है ना? मैं तो ये कह रही हूँ, अगर तुम लोग नहीं चाहते उन दोनों को तो बाहर निकाल दो, तो निकाल दो बाहर। मैं तो कहती हूँ वोटिंग कर करके इन दोनों को बाहर निकालो। मैं तो रोज भगवान के आगे हाथ जोड़ती हूँ, हे भगवान गोलू को बाहर निकालते, अरमान को बाहर निकालते, बड़ी जो गलती हो गई है इतनी बड़ी सजा हमसे नहीं भुगती जा रही। मैंने अपने एक ब्लॉग में भी बोला था मेरा कैप्शन, क्या हमसे बिग बॉस में बच्चे ने जाके गलती की है? बाकी गलती हुई है, आप मान लो। कई बार हम लोग अच्छा सोचते हैं, वो हमारे साथ अच्छा नहीं होता, हमारे साथ बुरा हो गया। अब बाकी रो मत, अपना खाना वाना खाओ, बच्चों को नहीं देख पाओगे अगर आप खाओगे नहीं तो, बीमार हो जाओगे। मैंने सुबह से कुछ कर ही नहीं रही हूँ, ना मैंने खाना खाया ना मैंने कुछ किया, लस्सी जरूर पी है। हाँ तो वो तो अब कुछ भी नहीं, बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है। परवाह मत करो, किसी की मत करो, छोड़ दो, अपना जियो, अपनी खुल के जिंदगी जियो जो भगवान ने हमें दी है। आप अपना ब्लॉगिंग की तरफ ध्यान दो, बच्चों की तरफ ध्यान दो। जब गोलू और अरमान आ जाएंगे तब हम देखेंगे। मैं यही हूँ ना, अभी मेरे सामने ही आएंगे, अभी पहले आप जाओगे फाइनल में, तीनों इकट्ठे आओगे, फिर आके देखेंगे करना क्या। अब छोड़ दो इस बात, नहीं अब तो मैंने सोच लिया क्या करना, मैंने तो सोच लिया। एक बात तो अपनी तबीयत खराब करते जाओगे, कुछ नहीं होगा, बीपी लो हो जाएगा और पड़े रहो बिस्तर में पड़े रहो, कोई फायदा नहीं। अरे मैं मम्मी इतना अपने आप को वापस हिम्मत जोड़ती हूँ, फिर कोई ना कोई बात हो जाती है। हिम्मत जोड़ती हूँ, हिम्मत जोड़ती हूँ, मतलब हिम्मत बनाने वाले काम है, तोड़ने वाले। आज वाला सही नहीं रहा ना, जो कल मीडिया आई, सारे क्वेश्चन आए, तो क्वेश्चन कम पूछते हैं और हमारे को कमेंट्स ज्यादा आते। कल एक छोटी सी क्लिप पर डायन डायन बोल लगे, आज पूरा एपिसोड दिखा होगा। हाँ तो क्या कितना क्या बोल लिया? वैसे तो मुझे कोई इतनी बात लगी भी नहीं है जितनी कि लोगों ने हमारे को कमेंट्स करके बताई है। आप कमेंट, आप अपना एपिसोड देखना आंटी, आप रात का एपिसोड देखना। देखा मैंने आपके घर आके देखा तो है, मैं तो टाइम से पहुंच गई थी, सारा देखा है मैंने। क्या था? कुछ भी नहीं था, हुआ बना के रख दिया हुआ। और रणवीर जी की भी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जब चीकू के पापा ने बोला कि आपको क्या लगता है कोई बात हो रही होगी, उन्होंने बोला कि अगर वो डिवोर्स ले रही तो कपड़े क्यों भेजेगी। हाँ। ये आप में से भी बहुत लोगों के क्वेश्चन थे। गाइस ये देखना, जब उन्होंने बोला कि भाई डिवोर्स ले रही है पायल, अगर डिवोर्स पायल ले रही है तो कपड़े क्यों भेज रही है? कपड़े भी तो पायल ही भेज रही है। आप दिमाग लगा के गाइस ये सोचो बात को, क्योंकि हमें इसी संसार में रहना है। हाँ। अगर हम जिंदा रहेंगे तो इसी दुनिया में रहना है, और दुनिया को साथ लेकर चलना मम्मी बहुत जरूरी है, जरूरी होता है। तुम दुनिया को एक साइड करके अलग नहीं चल सकते, अलग नहीं चल, नहीं चल सकते, हमें इसी दुनिया में रहना है। सही बात है। मैंने ये जो अगर मेरे दिमाग में थॉट आया था तो मैंने ये सबको दुनिया को लेके सोचा है, क्योंकि हम तो चलो मर जाएंगे, अकेले थे ना, हमारी कितनी उम्र है और होगी 10-20-30 साल, हमारे बच्चे तो अभी जस्ट पैदा हुए, उनको तो यही दुनिया चाहिए ना, यही चाहिए दुनिया के, क्योंकि उन्हें स्कूल भी जाना है, उन्हें कॉलेज भी जाना है, उन्हें लोगों से दोस्ती भी करनी है, उनके दोस्त भी बनेंगे, उनके दोस्त अब वो भी पार्टीज में जाएंगे, बर्थडे पार्टीज में जाएंगे, तो उनके लिए मैंने ये सोचा था कि यार लोगों को ये रिश्ता हजम नहीं हो रहा है, शायद कहाँ से हजम होंगे तो होएगा भी नहीं। मैंने सोचा चलो ठीक है, अगर ऐसा लगता है कि परिवार तोड़ देंगे तो शायद लोग जो है हमारे बच्चों को हिट नहीं देंगे, वो बदुआएं नहीं देंगे, मैंने ये सोच के किया था। पर फिर वही है कि मैं कर भी लूंगी तो भी बच्चों को बद्दुआ मिलेगी। आप अपना घर खराब कर बैठे हो, किसी कुछ जाएगा नहीं। पर मुझे बहुत लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने मुझे समझाया, और बहुत लोगों में से सारी औरतें थी जो मुझे मिली है, उन्होंने बोला कि तुम अपना घर नहीं खराब करो, तुम अपना घर क्यों खराब करो।
सही बात है, घर करना ही जब जब घर बिखर गया था ना तब भी घर समेटने के लिए कोई नहीं आया था, हम तीनों ने मिलके समेटा है। तो अभी तीनों ही समेटो, अभी भी हम तीनों को समेटना पड़ेगा। और आप ना आने दो इन दोनों, बस थोड़ी सी वेट करो, सिर्फ थोड़ा टाइम रह गया, जहाँ 6 महीना निकाल लिए वहाँ ज्यादा ज्यादा ये 4-5 दिन की बात हो रहा, आने दो। हम फिर संदीप के सामने सारी बात रखेंगे, सब लोगों की बात रखेंगे, फिर देखेंगे। मुझे तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, मैं इतनी बड़ी बात क्यों बोली, उनको तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पहले तुम क्यों बोलेगा, तो मैं एक्सप्लेन करूंगी ना। अभी मेरे परेशान मैं परेशान हो गई थी, मरने तक की नौबत मुझे दोबारा आ गई। हाँ? एक बार पहले आई थी जब हम अलग हो गए थे, हाँ? 1.5 साल अलग रहे, तब भी नौबत थी ना कि मैं अलग मर रही, गोलू अलग मर रही, अलग मर रही। पहले वाली नौबत फिर आ गई, फिर आ गई। अब नहीं करना, अब गलती नहीं करना। पहले ठीक है, एक ही लड़का था, 3 बच्चे और नहीं थे, अब ये बच्चे भी है। सोच के समझ के कोई भी डिसीजन लो, ऐसा डिसीजन ले लिया। उनका अरमान का भरोसा नहीं तोड़ना भी नहीं, अरमान ना गोलू, वो गोलू अंदर भी लग के रो रही है, लोग वीडियो बना बना के कितना प्यार करती है आपसे। गोलू को मीडिया से कोई दिक्कत नहीं है, मीडिया में क्या समझ रहे, गोलू को ये चीज अटूई है मैंने ये बात बोली। हाँ। और वो बात अगर मेरे मुंह से सुनते ना, वो उनको उतना बुरा नहीं लगता। हाँ, जितना लोगों से लगता। इतनी ज्यादा बात बढ़ गई है कि लोग हमें बता रहे हैं। बस गाइस, और हिट मत दो, एक प्यारी सी फैमिली है, वो टूटने से बचा लो, प्लीज टूटने से बचा लो, और हिट मत दो। हमारे बच्चे जो है वो आपके प्यार से ही, पहले दिन से, आप लोगों ने हमारी पूरी प्रेगनेंसी देखी है, पहले दिन से लेके और बच्चे 1 साल से ऊपर के हो गए, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। आप हमारे ब्लॉग सिर्फ बच्चों के लिए देखते हो तो ठीक है, बस उन्हीं बच्चों के लिए, उन बच्चों की तरफ से मैं बोल रही हूँ हाथ जोड़ के, प्लीज हिट मत दो। तो हो गया, गलती इंसान से होती है, भगवान से नहीं होती है, इंसान है। हो गई गलती, सबसे बड़ी गलती की बिग बॉस में गए, चलो चले गए, उसके बाद कई बातें ऐसी होगी गाइस, अब खत्म कर दो भाई, बस जैसे बिग बॉस खत्म हो रहा है ना, उनकी तरफ से, मेरी तरफ से मैं बोलती हूँ हमसे गलती हो गई, और इंसान से ही गलती होती है, और गलती तो माफ करने वाला बड़ा होता है। आप बड़े हो, हम तो ये तो बच्चे हैं बेचारे, इनको चलो ठीक है नहीं समझ आई, जो गलती हो गई होगी गाइस, अब खत्म करो, माफ कर। बस इतना मेरा लास्ट मैसेज। आप तो मैंने कमेंट पढ़ने छोड़ दिए, क्योंकि कमेंट मैं चाहती हूँ आप लोग अच्छे कमेंट करो, और मैं कमेंट पढ़ूंगा ठीक है। बस माफ कर दो, जो हो गया सो हो गया, गलती होगी मुझसे भी, अरमान से भी, कृतिका से भी। इस रिलेशन को मुझे पता है कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो रणवीर जी ने एक बात और बोली थी कि ये दुनिया में मैं पॉलीगैमी को सपोर्ट नहीं कर रही, वो भी नहीं करते, उन्होंने भी ये बात बोली कि लेकिन इतने हाई काफी लोग हैं जिन्होंने दो दो शादियां कर रखी हैं, आप लोग उनसे जाके सवाल क्यों नहीं करते। सही तो कहा है वो, आप लोग उनसे भी जाके सवाल करो ना एक बार, उनसे इसलिए नहीं करते ना, वो बिग बॉस में नहीं है, आप बिग बॉस में आ गए, अगर आप बिग बॉस में नहीं जा रहे थे, नहीं फिर हम पब्लिक प्रॉपर्टी हो गए ना, क्योंकि लोग हमें देखते हैं। अच्छा, अरमान ने एक बात और बोली कि जब ये बोला कि तुम क्या एग्जाम्पल सेट करोगे अगर ट्रॉफी तुम्हें मिल जाती है, तो वो ये एग्जाम्पल भी सेट कर सकते हैं कि हम इतने सारे लोगों को लेके हम इतने प्यार से कैसे रह सकते हैं। अब ये चीज में तो देख सकते हैं, ये चीज में तो देख सकते, सब नेगेटिव देख रहे हैं, पॉजिटिव नहीं देख रहे ना। तो बस गाइस, मेरा यही मैसेज था आप लोगों को, गलती होगी माफ कर दो प्लीज, इससे ज्यादा तुम्हारे लिए।